ऋषि प्राणायाम। तो ये ऋषि ग्रुप का है जो मैं शुरू में बात किया था कि ऋषि इकोस के बगल में ऋषि इको व्यू था, तो उन्हीं लोग का प्रोजेक्ट है ऋषि प्राणायाम। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्रोजेक्ट और ये जस्ट शुरू हुआ है ये प्रोजेक्ट। लास्ट ईयर लगभग अक्टूबर के नजदीक ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा गांव की तरफ लगेगा, न्यू टाउन से थोड़ा सा हटके लगेगा, थोड़ा सा विलेज टाइप का लगेगा। ये सारे न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया में आते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है तो ये सब एरिया में खरीदने से भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ का प्राइस थोड़ा सा कम है। आगे चल के जब ये न्यू टाउन में आ जाएंगे तो ये इसका प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ेंगे और आपको भी फायदा होगा। अगर आप रहना भी चाहते हैं तो भी आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होगा कि आप बढ़िया जगह में खरीदे हैं, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा डेवलप होने वाले हैं। और यहाँ मैं बता दूं, बहुत सारे बिल्डर्स अपना अपना प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इस ये सब एरिया में। तो ऋषि प्राणाया जो है ये आपका 4 टावर का बन रहा है, 24 फ्लोर्स का है। इसका खासियत ये है, ये लोअर बेसमेंट है, फिर अपर बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर 23 फ्लोर्स है। यहाँ उस तरह से लिखा नहीं गया है एनीवे, लेकिन ये लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस 23, तो हाई राइज है। और इसका प्राइसिंग का एक खासियत है, इसका घर कंपेरेटिवली साइज अच्छा बड़ा मिलेगा आपको, बहुत बड़ा तो नहीं मिलूंगा लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से इसका साइज फेयर साइज है, बहुत अच्छा साइज है। 972 स्क्वायर फीट में आपको 2 BHK मिल जाएगा, जिसका प्राइस आएगा आपका सिर्फ 45 लैक्स। तो अप टू 12th फ्लोर इन लोग का ऑफर में चल रहा है, कॉम्पोजिट ऑफ प्राइस में चल रहा है, मतलब आपका टोटल मिलाकर इन लोग बात कर रहे हैं, कार पार्किंग वगैरह सब कुछ लेकर। अगर आप टोटल की बात करें GST वगैरह लेकर, लगभग 46.5 लाख में आपका टोटल आ जाएगा, तो अप टू 12th फ्लोर। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है ऋषि प्रणाया से। और अगर आप 3 BHK की बात करते हैं तो लगभग आपका 62-63 लाख में 3 BHK आ जाएगा। तो ये खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आज 19th ऑफ अप्रैल है। तो बहुत सारे बिल्डर बहुत सारे ऑफर्स लेके आए हुए हैं। ऑफर्स का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट प्राइस डिस्काउंट, ऑफर्स का मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे पेमेंट टर्म्स में बहुत सारा डिफरेंसेस लाए हुए हैं। और अभी आप अगर प्लानिंग करते हैं खरीदने का तो आई थिंक इट्स ए गुड टाइम कि आप बिल्डर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और ऋषि का जैसे बहुत सारे बिल्डर अपना अपना तौर तरीके लाए हैं, ऋषि का जैसा, ऋषि प्रणय का या ऋषि ग्रुप का जैसा बोलना है कि इस वक्त अगर आप ऑनलाइन में बुकिंग करते हैं सिर्फ 10,000 से आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है, आप अगर विजिट करते हैं उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तब तो आप पेमेंट करेंगे, और पसंद नहीं आता है तो फिर आपको टोटल मनी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी काफी सारे ऑफर्स हैं, तो अगर आपको पसंद है इवन ऋषि पना ऋषि ग्रुप में या जैन ग्रुप में या बहुत सारे डिफरेंट बिल्डर्स आजकल नए नए ऑफर्स ला रहे हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हम आपको ऑफर्स के बारे में बता देंगे। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है, आई नो अभी कोरोना वायरस का इश्यू चल रहा है, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन अभी एक अगर आपके पास इंतजाम है, फंड है या फिर कुछ प्लानिंग है तो फिर अभी घर खरीदने का बहुत सही समय है। मैं आपको इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहूंगा कि आप जो ये एरिया मैं आपको बताया, ये थोड़ा सा विलेज टाइप का जो लग रहा है, जो कि आगे चल के न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया में आएगा, तो ये सारे एरिया किस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो थोड़ा सा बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ रोड कनेक्टिविटी किस तरह से बनेगा। ये देखिए,
मैं ऋषि प्राणायाम का बात यहाँ पर कर रहा था, ये ऋषि प्राणायाम है। और यहां से देखिए, एक यहाँ देखिए, यहाँ शापुर जी है। लास्ट टाइम मैं पार्ट वन में जो बात कर रहा था, ये एलिटा गार्डन विस्टा है, यहाँ पर दी सोल है। तो यहाँ एक रास्ता खत्म हो जाता है, दी सोल के बाद, प्रोजेक्ट दी सोल के बाद ये रास्ता खत्म हो जाता है। तो यही रास्ता प्रपोज रोड है। ये प्रपोज रोड जो है ये कनेक्ट करेगा, ये घूम के जाकर कनेक्ट करेगा, और ये ऋषि प्राणायाम के पास से जाकर फिर इको स्पेस की तरफ चला जाता है। यहाँ से और एक रास्ता भी निकल जाता है जो कि आपका अमिति यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाएगा, खैर उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये कनेक्ट करेगा ऋषि प्राणायाम की तरफ से जाकर इको स्पेस की तरफ। तो ये एक 40 फुट से भी ज्यादा बड़ा रास्ता बनने वाला है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रास्ता बन जाएगा। और आप टाटा अविनिडा की तरफ से जो रास्ता देख रहे हैं, इको स्पेस की तरफ से आपका आकर टाटा अविनिडा में आकर यहाँ खत्म हो जाता है ये रास्ता। और सिमिलर एक रास्ता आपको दिखेगा कि शुखो बिस्टी में, शापुर जी में, एलिटा गार्डन विस्टा या दी सोल के तरफ से निकलकर यहाँ से आकर ये रास्ता खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों रास्ता भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये रास्ता अगर कनेक्ट हो जाता है तो आपका समझ लीजिए, अगर आप टाटा अविनिडा से में रहते हैं तो यहाँ से आपका शाहपुर जी भी बहुत आराम से कनेक्टेड हो जाएगा। और शाहपुर जी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट वन सीरीज में बात किया हूँ। यहाँ आपका यूनिवर्ल्ड है, यहाँ आपका रोजडेल है, तो ये पूरा एरिया कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ से ये वाला रास्ता जो बन रहा है ये भी आपको कनेक्ट कर देगा, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अगर आप इस अब देखिए, पार्ट एक्शन एरिया वन और एक्शन एरिया टू में थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा है। अगर आपका प्राइसिंग बजट का थोड़ा सा इशू है तो फिर आप ये सब एरिया में प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये सब एरिया में बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी है। जैसे कि आपका पीएस अमिताभ भी आप सोच सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट जगह पे आपको थोड़ा सा कंपेयर टू अदर लोकेशन थोड़ा सा प्राइसिंग ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। एनीवे ये मेरा पूरा डिस्कशन था टॉप 6 प्रोजेक्ट्स ऑफ एक्शन एरिया टू एंड पार्ट्स ऑफ राजाहाट। पार्ट्स ऑफ राजाहाट इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सा ये वाला एरिया अभी भी राजाहाट में आता है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया एक्शन एरिया टू में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इसके बाद कोई किसी भी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत हो, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, न्यू टाउन के बारे में, तो आप भेजिए, हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए। वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।